फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के साथ एक ऐसी अद्भुत फल की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। ये जो है एक जंगली जलेबी के नाम से जाना जाता है, साथ में इसे गंगा जलेबी या फिर गोरख आमले के नाम से भी जानते हैं। ये मैक्सिको में ज़्यादा पाया जाता है, इसीलिए विलायती जलेबी के नाम से भी हम इसे जानते हैं। ये खाने में मीठा होता है, इसलिए मीठी इमली के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें जो है आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस तो पाया ही जाता है, साथ में विटामिन सी जो है भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो हमारे शरीर में रोग निरोधक क्षमता को प्रदान करती है। इसमें बहुत सारे औषधीय गुण पाए जाते हैं, इसमें एंटी डायबिटीज प्रॉपर्टीज पाई जाती है, साथ में जो है इसमें कैंसर निरोधक क्षमता भी पाया जाता है, जो कैंसर की कोशिकाओं को बढ़ने से रोकता है। तो चलिए आपके फायदे के साथ साथ हम आपके साथ इसके शेयर करेंगे इसकी रेसिपी भी। चलिए देर ना करते हुए इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। पेड़ में फलने वाली इस जलेबी का आज हम आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं रायता की रेसिपी। ऐसे तो इसकी सब्जी भी बनती है, लेकिन इसको जैसे ही हम आग पे चढ़ाते हैं तो इसकी गुणवत्ता घट जाती है, इसीलिए हम यहाँ पे इसकी रायता बताएंगे आपको बनाना। तो सबसे पहले इसके का फल हम इसमें से निकाल लेंगे। तो जैसे ही आप इसको खोलेंगे, इसको आप जब कच्चा देखिएगा, कच्चा ग्रीन कलर का होता है, पका जो है सो बिल्कुल गुलाबी कलर का। इसके अंदर जो पका हुआ जलेबी होता है उसके अंदर का बीजा जो है ब्लैक होता है। तो सबसे पहले इसका फल हम निकाल के इसमें से बीजा अलग कर देंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं ये गोल गोल फल है जो वाइट है, लेकिन इसमें थोड़ा सा पिंकिश कलर भी है। तो ये पका हुआ फल होता है, काफ़ी मीठा भी होता है, ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है खाने में। आपको जहाँ भी मिले ये फल एक बार आप ज़रूर खाएं। इस सब फल को हम इसी तरह से निकाल के उसका बीजा हम अलग कर देंगे। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उपयोगी है, ये कहीं भी मिले। हालाँकि इसकी जो मिलने की टाइम मिलने का टाइम है बहुत कम है। देखिए इस तरह से हम फल इसको निकाल लेंगे और इसके अंदर का बीजा इस तरह ब्लैक जो है सो हटा देंगे। तो इस तरह का फल निकल के निकलता है इसके अंदर। ये इसका अप्रैल और मई के महीने में मिलता है, मिलने का समय बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी यदि जब भी आपको ये मिले तो आप ज़रूर खाइए। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, लीवर का किसी भी तरह का प्रॉब्लम जो है उसको ये रिमूव करता है, बहुत ही फ़ायदा करता है पेट के लिए। तो देखिए इस तरह से हमने सारे इस तरह से सभी फल में से हमने ब्लैक बीजा को हटा दिया और ये गोल वाला पार्ट जो है इसका फल है। बीजा और छिलका को हम इस तरह से फेंक देंगे, इसका कोई यूज़ नहीं है। और इसका इसके अंदर जो एक दो बीजा रह चुका है उसे भी हम इस तरह से हटा लेंगे। अब हम इसका रायता बनाएंगे। तो रायता बनाने के लिए हम इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। इसे आप फ्रूट सलाद के रूप में या फिर आप इसे फ्रूट्स चाट के रूप में भी आप इसे खा सकते हैं, लेकिन आप कभी इसे पका के ना खाएं, नहीं तो इसकी गुणवत्ता घट जाती है। तो हम यहाँ पे इसका रायता भी बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। यदि कहीं भी आपको ये फल मिलता है तो आप इसे ज़रूर बनाएं। इसका पेड़ जो है कटीला होता है, जिसके कारण जो है जानवर भी इसके पत्ते नहीं खा पाते हैं, और आम आदमी के पास भी ये फल जो है पहुँच से दूर होता है, क्योंकि मार्केट में भी इसलिए अवेलेबल नहीं होता है। तो जहाँ भी आपको ये फल मिले आप ज़रूर इसे खाएँ। देखिए इस तरह हाफ टेबल स्पून हमने पीसा हुआ शुगर डाला है और 2 पिंच के बराबर हम यहाँ पे वाइट नमक डालेंगे और 1 पिंच के बराबर हम यहाँ पे ब्लैक सॉल्ट काला नमक डालेंगे। 1/4 टीस्पून के बराबर हम यहाँ पे जीरा पाउडर डालेंगे और 1/4 टीस्पून के बराबर हम यहाँ पे चिली फ्लेक्स पाउडर डालेंगे। और यहाँ पे हम थोड़ा सा पुदीना पत्ता और धनिया पत्ता को इस तरह से क्रश करके डाल देंगे और 1 हरी मिर्ची को भी हमने इस तरह से कट करके डाल दिया है। मिर्चा आप थोड़ा ज़्यादा या कम कर सकते हैं अपने स्वादानुसार। इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें इस कटी हुई जलेबी को इसमें डालेंगे और इसे भी हम मिक्स कर देंगे। ये रायता जो है बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है, आप इसे ज़रूर एक बार बनाएं। ये आप पूरी पराठा या बिरयानी वगैरह के साथ आप बहुत ही मज़े से खा सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा दही कम लगता है तो 2 टेबल स्पून दही हमने और डाल दिया है। अब इसे हम मिक्स कर देंगे। इस तरह मिक्स करते हुए रायता बिल्कुल तैयार है, आप इसे ज़रूर बनाए देखिए। इस रायता की टेक्सचर बहुत ही अच्छा है,
साथ में हम ऊपर से थोड़ा सा धनिया पत्ती और पुदीने पत्ती से इसे गार्निशिंग कर देंगे। इसे आप ज़रूर बनाएं और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव में इसे ज़रूर शेयर करें ताकि इसके फ़ायदा को और इसकी रेसिपी को दोनों ही को वो जान सके, क्योंकि इसकी गुणों से ये भरपूर है तो इसके फ़ायदा को हर कोई को जानना बहुत ज़रूरी है। तो अपना अनुभव आप मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के भेजें और यदि चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे आने वाले बेल आइकन की घंटी को आप जरूर दबाएं ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।